नेम प्लेट विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और यहां पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है इसी विवाद को लेकर। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में सुनवाई हो रही है। याचिका में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है जो यूपी सरकार ने आदेश दिया। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका है जिसमें नेम प्लेट विवाद पर संग्राम मचा हुआ है। इसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो नेम प्लेट का विवाद शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, उसके बाद यूपी सरकार ने पूरे राज्य के लिए यह आदेश जारी किया गया जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और जिसकी बेंच में सुनवाई हो रही है। और नेम प्लेट विवाद के बीच आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े और खास इंतजाम किए हैं। पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर यातायात एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रा आज से 2 अगस्त तक जारी रहेगी ये कांवड़ यात्रा। वह यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ एनडीए के सहयोगियों की आवाज मुखर होती जा रही है। इन सब के बीच टीवी 9 पर कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद का लाइव टेस्ट भी हम करेंगे और लगातार ये बड़ी कवरेज आपके सामने रखेंगे कि वहां से लोग क्या सोचते हैं। और इस बीच आपको बता दें जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, याचिकाकर्ता के वकील की दलील सामने आई है, ये आदेश समाज को बांटने जैसा है। ये याचिकाकर्ता की वकील है, वकील की तरफ से दलील दी गई, दुकानदारों की पहचान आर्थिक बहिष्कार जैसा है। तो बड़ी बात कही गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। पीयूष पांडे हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पीयूष, इसमें बड़ी दलील ये निकलकर सामने आई कि ये आदेश समाज को बांटता है, इसीलिए इस आदेश को वापस लेना चाहिए, ये याचिकाकर्ता की दलील में सामने आया है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए हैं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर ये आदेश जारी किया गया। पहला तो ये कि पुलिस ऐसा कोई आदेश नहीं जारी कर सकती क्योंकि ये आदेश उसके परव्यू में नहीं आता, उसकी शक्ति नहीं है कि वो इस तरह का आदेश जारी कर सके। और दूसरी बात ये है कि इस आदेश का जो निहितार्थ है उसका बड़ा व्यापक असर हो सकता है, ये समाज को बांटता है और इससे एक वर्ग को बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया है। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और आदेश पर रोक लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर याचिकाकर्ताओं से सवाल जवाब कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने ये निवारक स्टेप लिया है, यानी कि निवारक कदम उठाया है सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, और यही वजह थी कि ये निवारक आदेश जारी किया गया, ये राज्य सरकार का कहना है। जबकि यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और पुलिस की तरफ से ऐसा आदेश नहीं जारी किया जा सकता क्योंकि उन्हें ऐसी कोई शक्ति कानून से नहीं मिली हुई है। तो अभी सवाल जवाब इस पर चल रहे हैं, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। जी निधि, बड़ी बात है, नजर बना के रखिए। पीयूष पांडे बड़ी जानकारी दे रहे थे कि इस विवाद को लेकर जो याचिकाकर्ता के वकील है उनकी तरफ से दलील दी जा रही है और अब आगे यूपी सरकार के वकील भी दलील देंगे। बहरहाल लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, इसी विवाद को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चल रही है लेकिन जो एनडीए के दल भी हैं, सहयोगी दल भी हैं बीजेपी के, वो भी आवाज उठा रहे हैं, मुखर तौर पर बोल रहे हैं इस विवाद को लेकर कि कैसे ये फैसला लिया गया है। इस बीच विपक्ष तो प्रहार कर ही रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है नेम प्लेट विवाद को लेकर। कैसे विपक्ष की ओर से घमासान मचा हुआ है आपको सुनवाते हैं विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। इस देश में अब सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं और कुछ नहीं है, समस्या ही समस्याएं हैं। हमने डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया कि परंपरा यह है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए लेकिन उसका उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। सरकार की तरफ सभी कोई जवाब नहीं, मामला पार्लियामेंट में भी उठाएगा। ये हमने कहा कि जल स्रोत इस देश का पावर वाटर टेबल है, इतना नीचे जा रहा है कि अभी भी दिल्ली में पीने के लिए टैंकर से पानी आना शुरू हो गया है। हो सकता है 10 साल बाद दिल्ली में ये स्थिति हो जाए कि लोग दिल्ली छोड़ के जाना लगे। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है,
आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई? आप किस किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल, और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे में मुस्लिम प्लेस को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। तो दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, और हरिद्वार से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन मास की आज पहली सोमवारी है और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां की देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं, और यहां से जल उठाकर वो अपने अपने गंतव्य जिस शिवालय पर उनकी आस्था है वहां जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और यहां पर आपको इस गंगा की धारा के साथ साथ आस्था का जनसैलाब भी दिखाई देगा। हर की पौड़ी की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा यहां पर होगा कि कितनी बड़ी संख्या में आज पहली ही सोमवारी को लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, यहां से जल उठा रहे हैं गंगा जल, और उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर, जहां उनकी श्रद्धा है शिवालय में, उसकी ओर उस जल को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार में इस वक्त भारी भीड़ आपको श्रद्धालुओं की दिखाई देगी। जो भी उत्तराखंड के आसपास के राज्य हैं उनसे तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं, लेकिन दूर दूर से भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और ये चारों तरफ की घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे यहाँ से, हज़ारों की तादाद में आपको दिखाई देंगे, रंग बिरंगे आपको कांवर दिखाई देंगे, और जय भोले की जय घोष भी आपको सुनाई देगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से? आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से आए? और आप? बिहार से। बिहार से आए, तो देखिए बिहार और दिल्ली, आप कहाँ से आए? हम भी दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए? आप लोग किधर से हैं? बिहार से आए। बिहार से? सीतामढ़ी। बिहार से? जी जी। अच्छा, तो इतनी दूर से आप लोग हर बार हरिद्वार आते हैं या फिर पहली बार आए? हाँ सर, पहली बार ही आए हैं। जी जी। कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज बढ़िया है, बहुत बोले हैं। बोल शंकर भगवान की। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ लोगों से बात की और इसी में 3 राज्यों के लोग आपको यहां पर मिल गए। उसके अलावा आप देखिए तो तमाम लोग आपको यहां पर आते जाते लगातार दिखाई देंगे, और ये सुबह सुबह का समय है, और सुबह सुबह ही ये इतनी भीड़, और ये और आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, यानी कि आज ही हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहली सोमवारी के दर्शन को विशेष माना जाता है, पहली सोमवारी को यहाँ से जल उठाकर आगे जाना विशेष माना जाता है, और इस दिन को विशेष बनाने के लिए तमाम कांवरिये और श्रद्धालु इस जगह पर पहुंचे, और यही वजह है कि यहां पर आपको इस तरह की रौनक जो है वो घाट के किनारे आपको दिखाई देगी।